विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे हिंदू विधि में हिंदू विधि की शाखाओं के बारे में। तो देखिए, जो हिंदू विधि की शाखाएं हैं वो कैसे निर्मित हुई हैं, इस बिंदु पे प्रकाश डालते हैं। तो ये स्मरणीय है कि प्रारंभ में हिंदू न्याय शास्त्र में कोई भी शाखाएं नहीं थी। इन शाखाओं का प्रादुर्भाव स्मृतियों की व्याख्या से हुआ है। तो स्मृतियों की व्याख्याओं से इन शाखाओं का उद्भव हुआ है। व्याख्याएं स्थानीय प्रथाओं को ध्यान में रखकर की गई हैं और ये प्रथाएं भी स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न हैं। तो देखिए, इस संदर्भ में एक केस है रुत्से पट्टी वर्सेस राजेंद्र का, 1839 का केस है। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हिंदू विधि में विविध पद्धतियों के टीकाकारों ने स्मृतियों की टीका करते समय स्थानीय रिवाजों और प्रथाओं को भुलाया नहीं। उन्होंने हिंदू विधि की व्यवस्था की मीमांसा करते हुए स्थानीय प्रथाओं को भी समाविष्ट कर लिया। अतएव हर प्रांत के स्थानीय प्रथाओं और अवस्थाओं में भेद होने के कारण विधि में भी कुछ अंतर आ गया। तो ये आपका डिसाइड किया गया था रुत्से पट्टी वर्सेस राजेंद्र के केस में। अब देखिए, इस केस में कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुत्तु रामलिंगम के केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हिंदू विधि के अति प्राचीन स्रोत में स्मृतियां समस्त शाखाओं में सामान्य है। जिस ढंग से इन शाखाओं का विकास हुआ है वह भी इसी प्रकार का होगा जो कार्य सामान्यतः और सर्वविदित रूप में हुए भी कालांतर की व्याख्याओं के विषय बन गए हैं। टीकाकारों ने प्राचीन व्यवस्थाओं की टीका करते समय विभिन्न दृष्टिकोण अपनाया। उनका यह दृष्टिकोण एक स्थान में स्वीकार हुआ तो दूसरे स्थान पर अस्वीकृत हुआ। अतएव इन विभिन्नताओं के कारण विधि की भिन्न भिन्न शाखाओं का उद्भव हुआ, जिसमें से दो प्रमुख पद्धतियां हैं। एक तो है आपकी मृताक्षरा, और दूसरा है दायभाग। तो मृताक्षरा शाखा के अंतर्गत इनको आप, ये जैसे शाखा हो गई तो ये उपशाखा जो है, मृताक्षर शाखा को आप उपशाखाओं में विभाजित कर सकते हैं और ये चार उपशाखाओं में विभाजित की जा सकती है। तो पहली है बनारस की विधि शाखा, फिर मिथिला की विधि शाखा, फिर महाराष्ट्र की विधि शाखा या बंबई की विधि शाखा, और अंतिम है आपका द्रविड़ या मद्रास की विधि शाखा। तो बनारस की विधि शाखा पंजाब और मिथिला को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में लागू होती है। तो इसके अंतर्गत उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। मिथिला की विधि शाखा तिरहुत और उत्तरी बिहार में प्रचलित है। इस शाखा के प्रमुख भाष्य मृताक्षरा चंद्रेश्वर द्वारा लिखित विवाद रत्नाकर, वाचस्पति द्वारा लिखी विवाद चिंतामणि, स्मृतिसार एवं मदन परिजात है। महाराष्ट्र या बंबई विधि शाखा में समस्त महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेश सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत कनारा और मराठी बोली वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस शाखा के प्रमुख ग्रंथ में मृताक्षरा, नीलकंठ द्वारा लिखित व्यवहार मयूख, वीर मित्रोदय, निर्णय सिंधु, पाराशर माधव्य तथा विवाद तांडव हैं।
और द्रविड़ या मद्रास शाखा विधि शाखा समस्त तमिलनाडु में प्रचलित है। इसके अंतर्गत तमिल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। इस शाखा के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो मृताक्षरा, स्मृति चंद्रिका, सरस्वती विलास, वीर मित्रोदय, व्यवहार निर्णय, दत्तक चंद्रिका, माधवी, अविवाद तांडव इत्यादि है। अब दूसरी जो चीज़ है वो देखें, दूसरी शाखा जो है वो दाय भाग। तो दाय भाग क्या, यह विधि जो है बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में लागू होती है। दाय का अर्थ होता है उत्तराधिकार और भाग का अर्थ होता है बंटवारा। तो दाय भाग किसी स्मृति विशेष पर टीका नहीं है, बल्कि सभी स्मृतियों का एक निबंध है। यह विधि जिमूत वाहन के ग्रंथ दाय भाग पर आधारित है। दाय भाग पर अनेक टीकाएं हुई हैं, जिसमें रघुनंदन द्वारा लिखित दाय तत्व और श्री कृष्ण द्वारा लिखित दाय क्रम संग्रह इत्यादि है। तो आप इसी तरह के टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं ये दूसरे लोग भी देख सके तो इसे शेयर करिए। और अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।